दादा साहब फाल्के की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारी फिल्म हम लोग को सिलेक्ट किया। सबसे पहले मैं मिलवाना चाहूंगी हमारी फिल्म के किरदारों से, श्री हर्ष, संजय कुंवर सिंह, पीकू और मेन जो कि फिल्म बनाने में जिनका सबसे बड़ा हाथ होता है यानी कि डायरेक्टर मिस्टर सैफ। आपसे जानना चाहूंगी, आपने फिल्म में लीड किया है, ये फिल्म बनाई है, इसे बनाने का मेन मोटिव क्या था आपका, क्यों आपने यही सब्जेक्ट चुना? ये एक्चुअली जो फिल्म है हैमलॉक, ये मेंटल हेल्थ के ऊपर है। ओके, ठीक है। तो हम लोग जैसे मुंबई में काफी टाइम से बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं। यस। तो वन डे वी वर सिटिंग सैफ एंड आई, तो हम लोग ने डिस्कस किया कि यार इस पे कुछ बनाते हैं। तो गाना बना बना थोड़ी कहानी निकली, सैफ ने अपनी क्रिएटिविटी डाली, थोड़ा सभी लोगों ने इनपुट दिया, उसके बाद फाइनली प्रोडक्ट आपके सामने। या क्यों ऐसा हो रहा है? हर किसी की एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है। ओके। कि उतना पुश मत करो, किसी को इतना मत डराओ कि वो उसका डरी खत्म हो जाए, काइंड ऑफ दैट। और बाकी पूरे के लिए तो फिल्म सस्पेंस खत्म हो जाएगा, राइट? सो सैफ सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हैमलॉक, मतलब नाम सुन के शायद काफी सारे लोग समझ नहीं पाएंगे कि नाम का मीनिंग क्या है, तो आप मुझे बताइए। अच्छा, एक्चुअली क्या है कि हैमलॉक एक पौधे का नाम है। Okay. और उस पौधे से जहर बनता है, तो हमने इसका उस पौधे से जहर बनता है। Okay. तो इसलिए मैंने इस फिल्म में हम लोग नाम रखा है, क्योंकि पूरे खेल जहर का ही है। ओके। तो आपका किरदार क्या है? बेसिकली ये किरदार ये है कि एक मेड होती है, तो उसको सोसाइटी के बड़े लोग जो अपने ओहदे से बहुत बड़े हैं, तो उसको बेसिकली इतने इग्नोर्ड और इतना अत्याचार करते हैं तो उसके भरास में आके वो ऐसे करती है। सो श्री हर्ष, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप अपने किरदार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा किरदार इस फिल्म में है हक्का नूडल का कैरेक्टर। ओके। बहुत अच्छा है जब डायरेक्टर साहब हक्का नूडल। हाँ, आपका नाम किरदार का नाम है, काफी कैची नेम है। सो सैफ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, डायरेक्टर को बहुत सारी परेशानियां आती है, सो ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम थी जो फिल्म बनाते समय आपने फेस की? एक्चुअली क्या है कि प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती है जब हम मूवी सोचते हैं या करना चाहते हैं। तो मेरा तरीका अलग है मूवी मेकिंग का, कि सबसे पहले मैं आइडियाज पे काम करता हूँ कि मेरे को आइडिया कौन सा पसंद है, बिकॉज आजकल कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आइडिया, एक नया आइडिया ही चाहिए लोगों को। बिल्कुल, क्योंकि कहानी तो सेम ही होता है, महाभारत और रामायण नहीं होते। तो उसी पे होता है, अगर आप रामायण और महाभारत पढ़े हो तो आप कहानी कुछ भी बना सकते हो, लेकिन सबसे मेन चीज है ट्रीटमेंट कैसे करते हो। तो मैं पहले आइडियाज पे काम करता हूँ कि इस आइडिया पे या टॉपिक पे, हाँ ये टॉपिक पे मैं बना सकता हूँ। उसके बाद मैं कैरेक्टर डिसाइड करता हूँ कि कितना कैरेक्टर चाहिए, पहले दो आता है फिर तीन आता है, फिर अपने डिसाइड। और क्या होता है कि एट ए टाइम शूट के दौरान भी मेरा कैरेक्टर जुड़ जाता है। जैसे एक इंटरेस्टिंग बात है कि जिसमें हर्ष ने जो काम किया है उसमें हाकर नूडल्स का, तो इसका ऑपोजिट जो बंदा है उसका नाम है चौमेन। चौमेन और हाकर नूडल्स दोनों एक दोस्त है जो आज के दौर में आपने चाइनीज की दोस्ती करा दी। तो दोनों जो दोस्त हैं, तो आप देख सकते हो कि आज के दौर में जो टिकटॉकर्स होते हैं, रील्स बनाते हैं, तो जो चौमिन है वो एक स्टोर का मालिक है, मतलब शॉप का, छोटा सा शॉप का, लेकिन वो उसको इंटरेस्ट है अपना रील्स बनाने में, और जो हेल्प करता है हक्का। तो ये चीज मैंने रियलिटी पे उठाया कि जो रियल लोग करते हैं कि रील्स बनाते हैं करते हैं, और मैं वो चीज को उठाया हूँ, लेकिन उसका जो कैरेक्टर है डिफाइन, जब आप लोग देखोगे मूवी तो आपको तब समझ में आएगा कि क्या दिखाना कोशिश कर रहा हूँ मैं उसमें। कि वो डबल फेसेस लोग होते हैं, कि एक तो होता है कि बहुत सीधा, लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं ये तो नेगेटिव बंदा है, वैसा पैदा किया। और दूसरी बात है लोकेशन, काफी चेंजेस, काफी उतार चढ़ाव हमें फिल्म में देखने को मिलेंगे। हाँ, और दूसरी चीज है कि लोकेशन और ऐसा का बात करें तो मुंबई में आमतौर पर होती है तकलीफ है, लेकिन अपने टीम अच्छी थी तो उतना ज्यादा तकलीफ नहीं हुई कि लोकेशन खोजने में आए थे, तो बहुत ही स्मूथली निकल गया। ओके, ठीक है। संजय जी आप बताइए, मतलब आप एज अ प्रोड्यूसर भी है, मैंने सुना फिल्म में प्रोड्यूसर नहीं लाइक एक टीम होते मतलब आपने अपने बहुत सारे इनपुट्स दिए। टीम के बिना कुछ नहीं हो सकता है। यस, एक्चुअली विदाउट टीम तो कुछ नहीं हो सकता। सो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो कितना आपको सपोर्ट मिला फिल्म के लिए, और क्या ऐसा लगा कि भी फाइनेंस के लिए कि चलो फिल्म बंद कर देते हैं या अब नहीं हो पा रहा है, ये सब चीजें कई बार हुई है? थोड़ा मुसीबतें तो आती हैं जी, अगर मुसीबतें नहीं आएंगी तो मजा नहीं आएगा, कहानियां नहीं बनेंगी। सो प्रोड्यूसर की और एक्टर की दोनों की जिम्मेदारी आपके कंधों पे है, मतलब कहाँ से अपने पैसे कैसे अरेंज कर लिए, मतलब लोग आजकल पैसे अरेंज करने में बहुत दिक्कतें होती है, मैंने ये देखा है। अरे यार ये बहुत लंबी स्टोरी है वैसे, कोई बात नहीं, आप शॉर्ट में बता दीजिए।
तो मैंने आपको बताया था कि सैफ और मैं बैठे हुए थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कुछ बनाना है। तो सबसे पहले तो आइडिया था, उसे डेवलप किया, फिर उसके बाद फाइनेंस के लिए थोड़ा घूमे हम लोग, लेकिन काफ़ी जगह हाँ था ना था, ये लोग आई इंडस्ट्री है तो बट हमें बनाना ही था कुछ भी करके। तो हमने काफ़ी चीज़ें थी, काफ़ी लोगों ने हेल्प भी की। फाइनली फाइनली मैंने कहा यार देखते हैं, खुद करके देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। और बाद में हुआ क्या कि बीच में तो प्रॉब्लम सॉल्व डेफिनेटली आई, हमारे आर्ग्यूमेंट नहीं कहूंगा मैं, डिसएग्रीमेंट बहुत सारी चीजों पर रहे हैं, ठीक है, टीम के साथ होता ही है, डिस्प्यूट आ जाता है, फिर फाइनेंशियल शुरुआती दौर में एक्चुअली हर जगह ऐसा होता है, बजट कई बार आपका खत्म हो जाता है, फिर आपको शूज होते हैं, आपको मैनेज करना पड़ता है जगह जगह से, बट फिर भी फाइनली प्रोफेशनल तरीके से हम लोग अच्छे से अच्छा आउटपुट निकाल पाए। क्रेडिट गोस टू माय टीम। जब आप फिल्म बना रहे थे तो आपने कौन से ऑडियंस को टारगेट रखा था? सर मैं ये बता सकता हूँ इसमें, क्योंकि इससे पिछले वाली मूवी जो मेरी थी 4-15 वो भी इसी टाइप की थी, मतलब थ्रिलर सस्पेंस। सो यू लाइक थ्रिलर? हाँ ओके। तो थ्रिलर सस्पेंस थी और उसको लोगों ने बहुत पसंद किया, वो फिल्म फेयर तक भी गई और मैं परी के हुआ जीता हुआ है। तो मेरा जो बनाने का तरीका है, तो मैं ज्यादातर थ्रिलर इस सब पे ये करता हूँ, क्योंकि ये इस टाइप के जॉनर में क्या होता है कि आप ऑडियंस को होल्ड करके रख सकते हो लास्ट तक, क्योंकि बाकी अगर आप सिंपल मूवी दिखाते हो तो उसमें क्या है कि 2 मिनट देखा फिर 3 मिनट छोड़ दिया, ऑडियंस चाहती है दिमाग लगाना तो उसको 2 लगाने के लिए इंट्रोडक्शन। अगर आप सिंपल ऐसे दिखाओगे कि हाँ ठीक है एक पैरेलल कहानी है कुछ भी, तो वो लोग 2 मिनट देखेगा फिर तो बोर हो गया, तो रेगुलर चल रहा है, लेकिन आप जब उसको सस्पेंस लोगों को पसंद आने लगती है तो वो लोग को पसंद आती है। और उस चीज में सस्पेंस में थ्रिलर में अगर आप एक सोशल मैसेज टाइप का अगर कुछ देते हो तो वो लोग को और अच्छा लगता है। और ये सबसे यूनिक जो USP है मेरा यही है कि मैं थ्रिलर के साथ सोशल मैसेज देता हूँ। So, ऐसा था कि आपने फिल्म इसीलिए की कि आप प्रोड्यूसर रहे या फिर पहले ऑडिशन लिया, तो क्या हुआ था कि आप प्रोड्यूसर और एक्टर दोनों हैं? So, एक्टिंग सिर्फ पैसों की वजह से मिली या कुछ और बात थी, या ऑडिशन देके मिली? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और इस बात ये मैं बोलता हूँ जी, एक्चुअली क्या हुआ कि जब हम लोग सर्च कर रहे थे कि कैरेक्टर को लेकर कि इरफान का कैरेक्टर कौन करेगा, तो बहुत सारे ऑडिशंस आए तो हम देख रहे थे, तो एक दिन जैसे देख रहे थे लैपटॉप में तो दिखा कि सैम ने भी वैसे ही बनाया हुआ है, मतलब आपको नहीं पता था कि उन्होंने ऑडिशन बनाया है? हाँ नहीं पता था। फिर मैंने देखा तो ये संजय का है, तो फिर मैंने बोला कि संजय एक काम करना कि दूसरों को क्यों देख रहा हूँ, तू ही कर ले, तू अच्छा कर रहा है। और जो कैरेक्टर हमें चाहिए था, एक्चुअली हमें चाहिए था एक स्ट्रगल एक्टर का कैरेक्टर, तो इसका स्ट्रगल तो ये कर ही रहे हैं। हाँ तो मुझे लगा कि ये कर सकता है, तो इरफान के लिए मैंने इसको बोला कि तू ही करेगा और हम लोग नहीं करेंगे, तो इसके बाद हमने कोई कास्ट नहीं किया, इसी को कास्ट कर लिया। ओके सो संजय मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने ऑडिशन बनाया लेकिन दिखाया क्यों नहीं डायरेक्टर को? बस यही जो क्वेश्चन ना पूछ रही है, क्वेश्चन ना पूछा जाए इसलिए। ओके तो मतलब इसलिए कि ऐसा ना लगे कि मैं प्रोड्यूसर हूं ना फोर्स कर रहा हूं। नहीं कहूंगा मैं जी कि अप्रोच नहीं किया, बट ये था कि प्रायोरिटी बेसिस पे नहीं था, मेरा था कि मेरा बेस्ट मैन भी जो सबसे अच्छा करे वो। मतलब आपने आपने देखा कि पहले आप भी देखना चाहते थे कि कौन बेस्ट है, बिकॉज़ पैसा भी लगा हुआ था ना, तो उसकी भी रिकवरी करनी थी। यस ये पॉइंट है, क्योंकि अगर मेरा मानना है कि किसी लाइन को छोटा करना है तो उसको मिटाने की जरूरत नहीं है, उससे बड़ी लाइन खींच दो, अगर आप उससे अच्छा कर लेते तो। सो बहुत ही अच्छा लगा आप सबके बारे में जान के और फिल्म के बारे में जान के, इवन मैंने जितना जान लिया तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि कब फिल्म आने वाली है और मैं देखूंगी। सो आप सबको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, फिल्म बहुत ही अच्छी जानी चाहिए और बी एन एक्ट्रेस आपका करियर आगे जाए, आपके गाँव के जो लोग हैं मैं चाहूंगी वो जरूर देखें, क्योंकि एक लड़की कैसे आगे आकर इतना कुछ कर रही है तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आपके लिए सर बहुत ही अच्छी बात है, आपने जो सोच रखी है, मतलब आप वो कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हो जो एक्चुअली में आज लोगों को चाहिए। नमस्कार, मैं संजय कुमार सिंह अपनी पूरी टीम की तरफ से दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल के जूरी मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा हमारी फिल्म हेमलॉक को सिलेक्ट करने के लिए, और बहुत सारा ग्रेटिट्यूड शो करना चाहूंगा कि हमें एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिला है। और धन्यवाद।